हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ तेजीब एक्स गोयल। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ बूस्टर सीरीज। बूस्टर सीरीज बेसिकली कैलकुलेशन के लिए लेकर आया हूँ बच्चों। अब कैलकुलेशन में सभी बच्चों को बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो बूस्टर सीरीज में मैं क्या करूँगा, एक एक टॉपिक को क्या करूँगा, थोड़ा सा डीपली करूँगा बच्चों। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट पढ़ेंगे बच्चों। और स्क्वायर रूट में बेसिकली सबसे पहला जो बेसिक मेथड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसको बेसिक मेथड बोलते हैं। बेसिक मेथड, अब ये बेसिक मेथड बेसिकली वैदिक मैथ से आया बच्चों। तो सबसे पहले बेसिक मेथड पढ़ते हैं बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए बच्चों, आपको 1 से लगाकर 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए बच्चों। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 2 का 4 होता है बच्चों, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का कितना होता है बच्चों, 100 होता है। ऐसे आपको सारे स्क्वायर क्या होने चाहिए बच्चों, याद होना चाहिए। अब एग्जांपल से शुरू करते हैं बच्चों, एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल, तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया किसका बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया 144 का स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं बच्चों। हालांकि 144 का सबको आता है बच्चों, लेकिन बेसिक मेथड पढ़िए बच्चों। इसमें क्या करना है आपको, थ्री पार्ट्स में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। थ्री पार्ट्स में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। अब 144 को कहाँ लिखना है बच्चों, आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में राइट डाउन करना है बच्चों। फिर आपको क्या करना है, पीछे से लास्ट से आपको वंस प्लेस से वंस, टेंस और हंड्रेड, ऐसे क्या बनाएंगे बच्चों, आप पेयर बनाओगे। तो दो दो के क्या बनाओगे बच्चों, पेयर बनाओगे। तो पीछे से दो का पेयर बन गया, आगे से क्या बना बच्चों, एक ही पेयर बना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आपको आपको ये ढूंढना है, सबसे पहले पेयर से शुरू करना है वन। अब वन का, अब आपको क्या करना है, वन का स्क्वायर क्या आ रहा है, या तो वन ये नंबर कम्प्लीटली आना चाहिए या फिर इस नंबर से क्या आना चाहिए बच्चों, छोटा आना चाहिए। तो वन है जो इक्वली आ रहा है बच्चों, तो अब वन को क्या लिखना है बच्चों, टू टाइम लिखना है बच्चों। कितना टाइम लिखना है, टू टाइम लिखना है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड करेंगे, वो कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा बच्चों। और जो मल्टीप्लाई होगा वो नंबर कहाँ आएगा बच्चों, वो यहाँ आएगा बच्चों। वन में से वन गया बच्चों तो क्या आ जाएगा, जीरो। और नेक्स्ट जो पेयर है वो क्या आ जाएगा बच्चों, कैरी डाउन आ जाएगा। तो 44 क्या आ गया बच्चों, कैरी डाउन आ गया। वन को मैंने क्या किया, वन इंटू वन किया, इस वन को क्या लिखना है, वन टाइम लिखना है बच्चों। फिर जो नंबर इधर आएगा बच्चों, वही नंबर कहाँ आएगा बेटा, इधर आएगा बच्चों। तो बेसिकली मैं क्या लूंगा, अब मैं यहाँ पे टू लूंगा तो यहाँ पे भी टू लेना पड़ेगा, वन लूंगा तो यहाँ पे भी वन लूंगा। अगर मैं वन लेता हूँ बच्चों तो 21 इंटू वन करूंगा तो 21 आएगा, वो जो कि इससे क्या है, स्मॉल है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, टू लेना है बच्चों, क्या लेना है, टू लेना है। तो टू टू जा कितना हो जाएगा बच्चों, फोर, टू टू जा फोर, तो 44 कंप्लीटली आ चुका है बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, टू आ जाएगा। तो टू आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 44 आ जाएगा। और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा बच्चों, डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर आपने दो बार लिया है वो एक बार लिखना है बच्चों यहाँ पे। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, 12 आ गया। ये अपना आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं और मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं बच्चों। देखिए, फर्दर देखिए बच्चों, अगला बच्चों, अगला नंबर हमने क्या ले लिया बच्चों, 98 और 01 ले लिया बच्चों। अब 98 01 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। ये एग्जांपल नंबर क्या है बच्चों, टू है। देखिए बच्चों इसको कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, इसको थ्री पार्ट्स में क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड करना है। तो पार्ट वन हो गया, पार्ट टू हो गया और पार्ट हमारा कौन सा हो गया बच्चों, थ्री हो गया। अब ये नंबर को क्या करना है, राइट डाउन करना है बच्चों। और पीछे से क्या करना है बच्चों, दो दो के पेयर बनाना है, टू टू के पेयर बनाना है। अब जो नंबर इधर आएगा वही नंबर इधर आएगा। अब बेसिकली 98 किसके नेक्स्ट है बच्चों, 9 के नेक्स्ट है, 81 के नेक्स्ट है बच्चों। तो यहाँ क्या लिखना है, 9 और 9।
जो नंबर आपने दो बार लिखा है वो आपको पार्ट थ्री में क्या करना है, वन टाइम लिखना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, ऐड करेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बच्चों, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा बच्चों, पार्ट सेकंड में आएगा। एट में सेवन गया कितना आ जाएगा बच्चों, सेवन आ जाएगा। नाइन में से एट गया कितना आ जाएगा बच्चों, वन आ जाएगा। और जीरो वन कहाँ आ जाएगा बच्चों, कैरी डाउन आ जाएगा। जीरो वन हमारे पास कहाँ आ गया, यहाँ आ गया बच्चों। अब जो नंबर इधर आएगा बच्चों वही नंबर इधर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे फाइव ले लेता हूँ बच्चों। तो फाइव लिया तो फाइव तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है आपको, अब यहाँ से एट ले लो तो एट बन जाए एट, तो यहाँ क्या आ सकता है बच्चों, एट, ठीक है बच्चों। तो एट ले सकते हो बच्चों, अब एट से भी काम नहीं बनेगा बच्चों, तो मैं क्या ले लेता हूँ, एट फाइव जा, अब मैं एट ले लेता हूँ। चलो एक बार एट लेके देखते हैं, एट फाइव जा, जो एट नंबर इधर लिया तो इधर भी लेना पड़ेगा बच्चों। एट एट जा सिक्सटी फोर, और एट एट जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर और सिक्स कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, सेवेंटी हो जाएगा। और एट बन जाए एट, एट और सेवन कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा बच्चों। तो वो भी क्या है बच्चों, लेस है। इट मीन्स इट्स क्लियर है यहाँ पे क्या करना बच्चे, नाइन लेना पड़ेगा। तो नाइन नाइन जा कितना हो जाएगा बच्चों, एट्टी वन हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा बच्चों, एट हो जाएगा। फिर नाइन एट जा कितना हो जाएगा, सेवेंटी टू, सेवेंटी टू और एट कितना हो जाएगा बच्चों, एटी। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से एट हो जाएगा। फिर नाइन वन जा नाइन हो जाएगा, नाइन और एट कितना हो जाएगा बच्चों, सेवनटीन। तो देखो बच्चों कंप्लीटली डिविजिबल हो गया बच्चों, इट मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, नाइन एट जीरो और वन का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, नाइन्टी नाइन आ जाएगा। तो सिंपल था बच्चों, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबरों का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इजिली निकाल सकते हैं बच्चों। अब मैं लेके आया हूँ बच्चों, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ताकि हम कंप्लीटली सीख सकें। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर थ्री लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर थ्री लेते हैं बच्चों। तो कोई बड़ा नंबर लेते हैं बच्चों, ये हमारा पार्ट वन है, ये हमारा पार्ट टू है, और ये हमारा पार्ट थ्री है बच्चों। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर थ्री से बात करते हैं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री में क्या करेंगे बच्चों, इसको बेसिकली फिर से थ्री पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पार्ट वन आ जाएगा, यहाँ पार्ट टू आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, पार्ट थ्री आ जाएगा बच्चों। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, ये पूरा नंबर क्या करना है, राइट डाउन करना है बच्चों। और फिर पीछे से क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं बच्चों। तो पहला पेयर, पहला फर्स्ट पेयर जो वन वन का आया है, तो वन के नियरेस्ट आगे बच्चों वन का स्क्वायर, तो वन इंटू वन, वन इंटू वन करेंगे तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा। और वन वन प्लस वन करेंगे तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, या नीचे लिखेंगे बच्चों। फिर देखिए वन में सेवन सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर 46 क्या आ जाएगा बच्चों, कैरी डाउन आ जाएगा। जो नंबर इधर आएगा वही नंबर कहाँ आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा। तो यहाँ नंबर हम क्या ले लेंगे, पार्ट थ्री में जो नंबर हमने यहाँ लिया टू टाइम्स, वही नंबर ये वन टाइम लिखेंगे। अब यहाँ वन टाइम लेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 इंटू वन क्या आएगा, 21 आएगा। तो मैं यहाँ टू ले लेता हूँ बच्चों, तो टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर। और टू टू जा कितना हो जाएगा बच्चों, फोर। और 46 में से 44 गया कितना आ जाएगा बच्चों को, टू बचेगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, कैरी डाउन हो जाएगा 41। इन नंबर को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, टू फोर आएगा। जो नंबर इधर आएगा वही नंबर कहाँ आएगा बच्चों, इधर आएगा। अब ये नंबर टू टाइम्स आया था, तो मैं क्या करूँगा, पार्ट थ्री में वन टाइम लिखूंगा बच्चों। अब जो नंबर अब टू आया, तो यहाँ अब यहाँ पे मैं अगर वन लेता हूँ, तो टू 41 इंटू टू 41, 241 इंटू वन कितना आएगा, 241 आएगा बच्चों। तो ये सिमिलरली सीधी सी बात, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वन आएगा। तो वन इंटू वन वन, और वन इंटू फोर फोर, वन इंटू टू टू आ गया बच्चों। तो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया बच्चों। तो इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 121 आ जाएगा बच्चों। अब ये तो थी बेसिक मेथड बच्चों। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ बच्चों, जिसमें आप जो नियरेस्ट नंबर है, जो नियरेस्ट नंबर है उसके आसपास अगर कोई नंबर है, तो मैं उसका डेसिमल में कैसे निकालूंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। तो देखिए सेकंड जो मेथड है वो शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है, रूट 17 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप कहोगे सर रूट 16 का तो मैं स्क्वायर रूट जानता हूँ, वो 4 होता है। अब रूट 17 क्या होगा बेसिकली, तो देखिए बच्चों
रूट 17 का कैसे करेंगे, तो इसको क्या करना है आपको, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 17 को क्या करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 16 प्लस 1, जिसका आप इसको रूट जानते हो उसको ऐसे ब्रेक करोगे तो रूट 16 कितना आता है बच्चों, 4 आता है। अब फिर क्या करना है, इसका डबल करके क्या करना है, इस 1 में क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। अब 1 में 8 डिवाइड करना है कितना आएगा बच्चों, 1 में 8 डिवाइड करोगे डेसिमल आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 8 1 8, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा बच्चों, फिर कितना आ गया, 4, पीछे लग गया 0, फिर कितना आ गया, 4 प्लस 0.125 आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4.125 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आप क्या कर, आपका सारे डाउट्स कंप्लीट क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्या हो जाएगा बच्चों, सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों। अब मेरे को क्या करना है, 27 का स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। अब आप 25 का तो स्क्वायर रूट जानते ही हैं, तो इसको टू पार्ट्स में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है बच्चों। 25 प्लस क्या करोगे, 2 करोगे बच्चों, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 5 होता है। अब 5 के डबल से क्या करोगे, इससे डिवाइड करना है आपको, तो कितना आएगा बच्चों, 0.2 आ जाएगा बच्चों। तो जैसे ही आया तो इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5.2 हो जाएगा। तो कितना आसानी से हमने क्या कर लिया बच्चों, स्क्वायर रूट सीख लिया। अगर आपको हमारा वीडियो बनाया गया वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है और आप सेटिस्फाई हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना भी नहीं भूले बच्चों, और शेयर करना भी नहीं भूले, और कमेंट भी करिएगा बच्चों कैसा लगा आपको मेथड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।